ये मैंने फाइंडिंग नीमो में देखा था कि एक फास्ट लेन वाला एक था जिसमें सब चीजें फास्ट जाती है, उसी जगह में आ गया वापस। वेलकम टू माई चैनल वी आर एस डाइवर्जन। सो आज मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का एब्जू के पार्ट टू में। एपिसोड टू आज होने वाला है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो मेरा रोबोट था, जो मेरा फ्रेंड था, जो मेरा दोस्त था, मेरे तीन दोस्त थे समुद्री की दुनिया में, जो कि जिस शार्क ने खा लिया वो सही नहीं किया। सो आज हम बदला तो नहीं लेने वाले, सो कंटिन्यू होने वाला वहीं से। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं केलन दृश्य। सो जैसे कि मेरे अभी तक दो ही दोस्त बचे हैं और सब मर चुके हैं, सब खत्म हो गया उसकी तरह। सो इस खूबसूरत दुनिया में फिर एक्सप्लोर करते हैं, हम निकल पड़ते हैं अपनी। और इस म्यूज़िक की तो मैं तारीफ करते थक नहीं सकता कभी, इतनी खूबसूरत म्यूज़िक कहाँ मिलता है भाई। गेम में तो खूबसूरत, जर्नी के क्रिएटर ने बनाए तो खूबसूरत क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होना है, सब होना है खूबसूरत। क्यों नहीं होना है खूबसूरत, इतना खूबसूरत गेम है, जितनी तारीफ करो उतनी कम इस गेम की। मैं मुझे भूल जाता हूँ कि मैंने जैसे कि पहले इन्वर्ट कर रखा था कंट्रोल और मैंने नॉर्मल कर दिया, तो हमेशा मैं भूल जाता हूँ कि नीचे से नीचे जाता है ऊपर से ऊपर जाता है। पहले क्या होता था कि मैं नीचे करता था तो वो ऊपर जाता था। सो अभी क्योंकि पहले इन्वर्ट था तो जिस वजह से मुझे होता था। सो हियर वी गो, तो हमने इंटरेक्ट कर दिया है इस एंड्रोमेडा टाइप कुछ दिखने वाली चीज़ों में। वो ऊपर पीछे से जो दिखा रहे ना कैमरा एंगल, वो जबरदस्त लग रहा है, जबरदस्त। सो मैं कहीं जा रहा हूं और लोडिंग। ओ माय गॉड, जब भी इसकी एंट्री होती है, जब भी एक नया म्यूजिक के साथ किसी की भी एंट्री होती है, तो मुझे सबसे कूल लगता है। खास करके ये एब्जू, मुझे लगता है इसका नाम ही एब्जू है, इसके ऊपर गेम बना दिया है। वैसे एब्जू का मुझे अभी तक मैंने रिसर्च नहीं किया, मतलब क्या इसका मतलब का। वो ये मैंने फाइंडिंग नीमो में देखा था कि एक फास्ट लेन वाला एक था जिसमें सब चीज़ें फास्ट जाती है, उसी जगह में आ गया वापस। और ये एकदम फाइंडिंग नीमो का कॉन्सेप्ट है, जितनी तारीफ करो उतनी कम इस गेम की। Here we go। तो सारी मछलियाँ शायद जिंदा हो जा रही है, मैं जैसे ही उन्हें टच कर रहा हूँ या कुछ और मुझे वो लोग बूस्टअप दे रहे हैं शायद, जैसे कि वो लोग फाइंडिंग नीमो में दिया था बुरी तरह स्पीड अप। और कितनी कलरफुल है ये गेम, बहुत कलरफुल है गेम। इसे मैं जाना गया है, तो मैं सही जा रहा हूँ, तो आ रहा है यहाँ पर दी जादुई एब्जू। ये क्या है, शार्क्स थी क्या? नहीं, सॉरी शार्क नहीं है, मुझे पता नहीं कौन है, बट डॉल्फिन जैसे दिखने में थोड़े से शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली लोग कौन है, बट इतना पता है कि ये लोग क्रिएचर है, समुद्री क्रिएचर, खूबसूरत क्रिएचर, जो कि मेरे साथ सवारी में निकले हैं। बूम बूम चिक बूम, म्यूजिक तरह से फीलिंग्स को भी और इमोशन को भी और अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और बात उन्हें एक जोश की तरफ यूज कर रहा है, जैसे कि मैं पूरा जोशीला हो गया अचानक इस म्यूजिक को सुनते हुए और इस विजुअल को देखते हुए। द फास्ट लेन, जो कि देखने में मजा ही कुछ और है। ये तो खूबसूरत है, मजा आ गया। साइड में आप जेलीफिश देख सकते हैं, मछलियां है मेरे चारों तरफ, क्या नहीं है मेरे तरफ, सारी चीजें मेरे तरफ। वो ब्लैक होल की तरफ बढ़ते हुए अब्जू, और ये ब्लैक होल पहुंच गया मैं, आई डोंट थिंक सो। कहीं ना कहीं मुझे लेके जा रहा है वे, और मैं सिर्फ जाए जा रहा हूँ, बूस्ट किए जा रहा हूँ और जाए जा रहा हूँ और जाए जा रहा हूँ और एकदम म्यूजिक की सही टाइमिंग। जैसे मैं पहुंचता हूँ म्यूजिक खत्म, खत्म नहीं हुआ मतलब थोड़ा सा उसका वो डाउन हुआ है, क्या बोलते हैं, रिदम। वो वैसे जाना गया मुझे, तो वहां पे मुझे एक शेल दिख रहा है, लेट्स सी इस शेल में मेरा कुछ हो सकता है। ये शेल एक तरह का ये ईस्टर एग है, जो कि आपको कलेक्ट करना पड़ता है। लाइक इसमें कलेक्ट वैसे अपडेट वाली कोई चीजें नहीं है, बस आप कलेक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने किया अभी कलेक्ट।
और इसका जितना ही मैंने वे ढूंढा है सारे के सारे नीचे की तरफ ही ढूंढना है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी नीचे ही जाना है। तो लेट्स सी, क्योंकि ये समुद्र है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है। तो क्या मैं जा सकता हूँ? Yeah, मैं जा सकता हूँ। Oh, here we go. तो नीचे की तरफ एक और रोबोटिक दोस्त। तो मेरे फिर तीन हो चुके हैं अब। ये क्या है? सांप जैसे थोड़े से। I don't know what, क्या है ये लोग? बट इतना पता है कि मेरा मुझे एक और दोस्त मिल चुका है। मेरे पास वैसे तीन रोबोट्स थे, अभी सिर्फ मेरे पास एक ही दिख रहे हैं। आई थिंक वो लोग अपने रास्ते चले गए या अपनी मंजिल की तरफ चले गए हैं। मे बी उनका भी काम होगा यार, थोड़ा मेरे पीछे लगे रहेंगे। वैसे जाना कहाँ है? सीधे की तरफ शायद। तो रोबोट मुझे दिखा रहा है रास्ता, ये सही है, रोबोट एक रास्ता ढूंढने काफी काबिल होता है। तो इनका, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं इनको पकड़ के राइड कर सकता हूँ। कॉमन डॉल्फिन, आई न्यू इट, ये डॉल्फिन है। वो ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ डॉल्फिन। अरे यार ऊपर जा नहीं रहा है, क्या मस्त लग रहा है, कूल लग रहा है। सो मुझे जरूरत नहीं अभी डॉल्फिन की। हे रोबोट, जाना गया मुझे? तो वो नीचे दिखा रहा है, तो ये रहा। सो हमें वे मिल चुका है जाने का। एक और अंदरूनी टनल, बूस्ट अप। अरे 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 शिट, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कर रहा हूँ मैं? अरे थोड़े कंट्रोल इसके थोड़े से मेरे टफ हो जाते हैं, मतलब टफ नहीं है, मतलब मैं कंट्रोल करना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये दबाने से। अरे नीचे जाना है, शिट यार, नीचे जाना है, नीचे जाना है। ये नीचे जाना नहीं चाहता या मैं जा नहीं सकता? ओह आई थिंक नीचे कोई वे ही नहीं है पहली बार, तो मैं बिना मतलब ऑटोमेटिकली जा रहा हूँ। सो रोबोट शो मी द वे डूड। ओह हियर वी गो। जैसा कि हमने पहले देखा था कि इस रोबोट ने इसका वे, मेरा वे क्लियर किया था ऐसे करके, तो इस बार भी ये वे क्लियर करने वाला है। गया हो, फिर ये चीर फाड़ने वाला है ये समुद्री मवादों के। वैसे ये भी कितनी खूबसूरत लग रही है, ये सब जितने भी आए हैं जो कि रोबोट ने साफ किया। सो एक और वे आ चुका है फाइंडिंग नीमो का, फाइंडिंग नीमो जैसा एक और वे। एक और म्यूजिक बजेगा। तो वैसे इनका मैं राइड कर सकता ना इनका मैं, बट कोई दिख नहीं रहा पर राइड के लिए, तो मैंने राइट के यूज़ कर सकता था। दिख तो रहे हैं बट आई कैन नॉट राइड, उनके थ्रू राइड नहीं कर सकता। सही है, तो बिना किसी देरी के खेलते रहते हैं रे भाई, मज़ा आ रहा है। खूबसूरत गेम है रा भाई, पता नहीं मैं कितनी बार बोल चुका हूँ खूबसूरत, बट ये है तो है, देयर इज नो डाउट। वो ये क्या है? बूस्ट अप, here we go. वो डॉल्फिन है तो राइड में आ जा, कोई भी नहीं आएगा, इतने बड़े बड़े हैं लोग दिखने में एकदम। तो आगे रोशनी मेरे तरफ, वहीं पर ही जाना है मुझे। सो एक और इतना ब्राइटनेस, here we go, सरपास कर चुके हैं अब। ओहो ये गेम एकदम स्मूथ चले जा रहा है। ये फिश सबसे खतरनाक है। वो हॉर्स फिश क्या है ये पता नहीं, आई डोंट नो, बट इट वाज ऑसम, फ्रिकिंग ऑसम। वैसे आई थिंक डॉल्फिन ही मुझे दिखा रहे रास्ता कि कहाँ जाना है। अब्जू हम लेके जाएंगे तुम्हें, तुम टेंशन मत लो। वाओ वाओ मजा आ गया। तो हमने सरपास किया रास्ता, तो हम डार्क वर्ल्ड में फिर पहुंच गए। कितना खूबसूरत थी वो दुनिया, और मैं अब भी पता नहीं मैं कहां पहुंच गया, एक बंजर ज़मीन के यहाँ पर, क्योंकि सामने लगता है इसको भी मुझे ज़िंदा करना है, और इसे भी मुझे ज़िंदा करके एकदम ब्यूटीफुल प्लेस बना देना है, जैसे कि पिछली बार था। कितनी मतलब जैसे कि मैं पिछले थोड़ी देर पहले था, जहाँ से अभी मैंने डाइव मारा और अगेन बैक टू दी बंजर ज़मीन। टेंशन नॉट अब्जू है ना, अब टेंशन नॉट प्लेस, अब्जू है यहाँ पर, ज़िंदा कर देगा रे भाई। तो रोबोट ही मुझे यहीं पर दिखा रहा है, सही है। ब्लैक होल में कब जा रहे हैं हम? सो आर वी रेडी? हियर वी गो, वी आर रेडी। सो डार्कनेस एज ऑलवेज, जैसे कि मुझे पता था कि जैसे हमने पिछली बार भी एक ब्लैक होल में हम गए थे, और उस बार भी हमने एक प्लेस को जिंदा किया था, और ये भी उसी प्लेस का हार्ट है जहां मैं आ चुका हूँ, और ये एकदम
जन्नत से कम नहीं है किसी, दिखने में इतना खूबसूरत ये प्लेस, लग रहा है कि जन्नत है। ये सब खूबसूरत गेम खेल के मुझे ना क्या होता है, एकदम मजा आ जाता है, मजा आ जाता है एकदम, क्या बताऊं यार। इस गेम फेवरेट बन चुका है मेरा, ये वन ऑफ माई फेवरेट, फ्रिकिंग ऑसम। वो दिल 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 करे, सब ये प्लेस भी जिंदा हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ समुद्री, सॉरी सिर्फ और सिर्फ एब्जू के कारण। सो पिछले बार वो क्रिएचर निकला था जो कि मुझे उसका नाम नहीं पता, जैसे कि मैंने बताया था कि नेट जियो में, और इस बार डॉल्फिन्स निकली है, तो इसलिए ओहो मैं समझ रहा हूँ क्या हुआ था कि पिछली बार जिंदा मैंने जिनको किया था उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था, और इस बार वेल सॉरी डॉल्फिन ने मुझे रास्ता दिखाया। डॉल्फिन चाहते थे कि हम जिंदा करें इन्हें, और डॉल्फिन जिंदा हो चुकी, तो ये समझ रहा हूँ धीरे धीरे, जो भी आपको जो भी फिश या जो भी क्रिएचर अपने प्लेस को जिंदा करना चाहती है वो आपको रास्ता दिखाएगी, प्लीज़ हमारे प्लेस को रेस्क्यू कीजिए और फिर स्वर्ग बना दीजिए जस्ट लाइक दिस। एकदम ऑसम, जबरदस्त, जबरदस्त होता है, जबरदस्त नहीं होता है, जबरदस्त। नीचे कुछ है क्या? म्यूजिक 10/10, गेम प्ले 10/10, एनवायरमेंट 10/10, एकदम ऑथेंटिक है, ये मास्टरपीस है मेरे लिए, ये गेम मास्टरपीस है रे भाई। ये क्या लिफ्ट है क्या? नो no. मैं सोचा एक तरह के लिए हमें लिफ्ट की तरह यूज करना है। तो यहाँ पर डॉल्फिन का हिस्ट्री है क्या? मे बी सो ब्राइट। सब एक और दुनिया पहुंच चुका, आगे जैसे क्या देख सकते हैं कितना झुंड है मछलियों का, जैसे कि रियल लग रहा है एकदम, एकदम रियल है। मैं जो लवर है ना डिस्कवरी चैनल्स के, या उन्हें पसंद है समुद्र, उन्हें गेम खेल के मजा आने वाला है। सो मिस मत कीजिए इस गेम को, जल्दी खेल लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट गेम एवर। I'm coming for you, Andromeda Gate. Keep gate से मुझे Andromeda की याद आती है, पता नहीं क्यों, Mass Effect Andromeda, मैं पता नहीं सकता क्यों, बट आती है। तो हर जगह ऐसा गेट दे रखा है, अब मैं उस जोन में जा रहा हूँ, तो सही है, मैं समझ रहा हूँ इस गेम को। और रोबोट का सफर यहीं तक था, बाय माय फ्रेंड, माय फ्रिकिंग रोबोटिक फ्रेंड, बाय, हमें और आगे मिलने वाला है। सो दैट्स फ्रिकिंग ऑसम, मजा आ गया वो प्लेस देख के, क्या नेचर थी यार, क्या एनवायरमेंट था वो, एकदम ऑथेंटिक, लाइक अकपेला, ये मैंने गाना सुना था इसलिए मैंने यूज कर लिया, एकदम ऑथेंटिक था, मजा आ गया। वाओ, तो यहीं पर हम एक और जोन में पहुंच चुके हैं और ये वीडियो भी यहीं पर ही खत्म होने वाला है। सो ये रहा हमारा अब्जू का एपिसोड 2, जिसमें हमने डॉल्फिन की दुनिया को जिंदा किया, डॉल्फिन की दुनिया। पिछले बार हमने एक और की दुनिया की दुनिया को जिंदा किया था, बट आई डोंट नो दैट क्रीचर नेम, बट स्टिल एपिसोड 2 में मजा आया खेल के। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, प्लीज स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।